यू सो मच. वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स. आज हम अपना 99th एपिसोड मनाने जा रहे हैं. जोरदार तालियां सिद्धू बाजी के लिए. पाजी एक बात बताओ, आपने इतना क्रिकेट खेला, इतनी सेंचुरीज मारी, जब आप 99 पे खेल रहे होते थे और सामने से वेस्ट इंडीज का कोई फास्ट सा बॉलर आ गया, मुंह बना के जब ऐसे बॉल फेंकता था, आपको डर नहीं लगता था? क्या फीलिंग होती थी? अबे गुरु, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता. सांप सीढ़ी का खेल भी कोई खेल रहा हो ना, तो जब 99 पे जाता तो उसकी टाए टाए फिश हो जाती है, वो बैठा रहता है वो. हाँ. लेकिन भाजी क्रिकेट में और हमारी जिंदगी में इतना फर्क है कि हम लोग भी आज अपना 99th एपिसोड मना रहे हैं, लेकिन हमें डर नहीं है. बिकॉज जितना लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि आगे चल के हमारी नॉट आउट बहुत सारी सेंचुरीज होने वाली है. जोरदार तालियां कॉमेडी नाइट्स के लिए. बहुत सारे लोग पाजी हमें चिट्ठियां लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन हम लोग कभी रिप्लाई नहीं कर पाते. लेकिन आज मैंने 99th एपिसोड के मौके पे कुछ एक दो मैसेजेस लोगों के निकाले हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं. एक लड़की ने लिखा है कि कपिल यू आर वेरी हैंडसम, थैंक यू सो मच, बट यूर 5 इज लेट एक्चुअली मंजू. एक भाई साहब ने तो सीधी रिश्तेदारी निकाली हुई है. ये लिखते हैं कि कपिल जी शायद आप जानते नहीं कि हम रिश्तेदार हैं. अच्छा, रिश्तेदार कैसे हुए ये भी सुन लीजिए. आपकी बीवी का मुंह आप कहते हैं कि केतली जैसा है, मेरी वाली का कप जैसा है. तो हुए ना हम रिश्तेदार. भाई साहब आपसे एक इल्तजा है, अगर आपकी बीवी का मुंह कप जैसा है और मेरी वाली केतली जैसा है, या तो मेरी केतली ले जाइए या अपना कप दे दीजिए. किसी एक का तो टी सेट कंप्लीट हो भाजी. नीतू जी फगवाड़ा से लिखती है, कपिल जी मुझे बच्चन साहब वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा. थैंक यू नीतू जी. उनका गाना भी बहुत अच्छा लगा, प्लीज उन्हें दोबारा जरूर बुलाइए. थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, और आपने जो 1 रुपया खर्च के मैसेज करके 5 करोड़ रुपए की फरमाइश की है. जोक्स अपार्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे बच्चन साहब को दोबारा इनवाइट करने की. ये मैसेज आया है लाहौर पाकिस्तान से हामिद मीर साहब का. ये लिखते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि आपको आपकी वाइफ अच्छी नहीं लगती, मैं लंदन में टैक्सी चलाता हूं और मुझे आपका शो बड़ा पसंद है और मुझे आपकी बीवी बड़ी अच्छी लगती है. तो भाई साहब आप टैक्सी चलाते हैं, आपको तो मेरी बीवी अच्छी लगेगी, उसका खुद का मुंह जो ऑटो जैसा है. तो आप मेरी बीवी को मुझे हैंडल करने दीजिए. शुक्रिया आपके प्यार का, थैंक यू सो मच. अच्छा पाजी, जितना लोग इस शो को प्यार करते हैं, हमें भी चाहिए ना कि अच्छे अच्छे एपिसोड दें. और मेरी दादी देख लो आप, जब देखो टुन होके पड़ी रहती है. लेकिन हमने पाजी एक प्लान बनाया है. क्या? उसकी शराब छुड़ाएंगे, देखना उसके बाद अगर पी गई मेरा नाम बदल देना. आपने कभी जिंदा आदमी को स्वर्ग या नरक जाते हुए देखा है? हाँ. आज देखेंगे आप, अभी लो. ओ उठ बुढ़िया उठ, उठ, तेरे कर्मों का लेखा जोखा करने का वक्त आ गया. नरकों में आ गया. उठ. चिक्की, आज तक मैंने कोई कर्म ही नहीं किए तो लेखा जोखा कैसा? By the way, आप कौन है? Fancy dress competition? मूर्ख स्त्री, हम यम कुमार हैं. अच्छा, दिलीप कुमार, मनोज कुमार सुना था. Who is this यम कुमार? हम लोगों को उठाते हैं. बहुत अच्छा काम करते हो. मेरी बात सुनो, मेरा पोता ना बिट्टू, उसको रोज सुबह 7 बजे उठा दिया करो. सच्ची कह रही हूँ. मोया दोपहर के 1 बजे तक सोता रहता है, उसके बाद कहता है आधा दिन तो निकल गया, अब काम पे क्या जाओ, बाबा जी का टुल्लू. टपनी स्वास्थ्य कुटनी भूरवा भूरवा स्वाहा स्वाहा शकीरा शकीरा रिहाना रिहाना. कौन है ये लेडी, जरा ये तो बताना. आई एम मिसेज यम कुमारी, लेडीज का डिपार्टमेंट मेरा है. और इसने संस्कृत में बोला है कि तुम्हें धरती से उठाकर हम ले आए हैं. अच्छा, धरती से उठा के खिचकी. मर चुकी हूँ. भूरवा स्वाहा
मारा शौवा पौवा मार गया, इसका मतलब तूने पौवा पिया और मर गई। अच्छा, गंभीर गौतम गंभीर। क्या मतलब? मतलब गंभीर होकर मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई में मैं मर गई हूँ? यस। बुढ़िया, क्या हम तुझे वर्ल्ड से उठाकर लाए और तू वर्ड प्ले कर रही है? तू सच में मर गई है, सच में मर गई है तू? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे कम से कम मुझे ये तो बता दो कि ये सब हुआ कैसे? ए बुढ़िया, तेरा लीवर फेल हो गया था? क्या बकवास कर रही हो? 15 साल से बिट्टू फेल हो रहा है तब भी मैं नहीं मरी, तो लीवर क्या चीज है? मैं तो कहती हूँ मेरा फिर से चेकअप कराओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक मैं अपने पड़ पोते का मुंह नहीं देख लेती ना, मैं मर नहीं सकती। एक बार पड़पोते की खुशी में मैं 2 पैक लगा लूं, उसके बाद मुझे उठा लो, आई एम रेडी। दुष्ट बुढ़िया, दारू पीने की वजह से तू मरी है और अब फिर से तू दारू पीने के लिए कह रही है? यू स्टूपिड इडियट, यू फूल। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज नीचे भेज दो। ये बुढ़िया तुम लोगों के आगे रहम की दुआ मांगती है, ज्यादा नहीं कर सकती। मांगती है, ये फैमिली ऊपर हो या नीचे, मांगने से बाज नहीं आती। मैंने कहा जी डार्लिंग। जी जी स्वीटहार्ट। मित्र गुप्त को बुलाइए, वही करेंगे इसका हिसाब। ठीक है, ना अब ना अक ना होशियार, अब आते हैं मित्र। ओ! क्या हुआ? कुछ नहीं, एक हंसी वाला चुटकुला आया था। मूर्ख, मुझे क्यों जगाया इतनी अर्धरात्रि में, क्यों उठाया? अरे हमने तो आपको निद्रा से उठाया है, इस बुढ़िया को तो हम धरती से उठा कर लाए हैं। अच्छा, तो इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। मित्र गुप्त, इसके कर्मों का हिसाब लगा के बताओ कि इसे नर्क में जाना के स्वर्ग में? अब पी लो। जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, नश्वर बुढ़िया तुम बताओ तुम पृथ्वी पे क्या करती थी? मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल सर्विस करती हूँ, मगर मतलब लोगों को मरने से बचाती हूँ। ये झूठ बोल रही है, ये बहुत दारू पिया करती थी, इसीलिए मेरा यमू डार्लिंग इसे उठा लाया। झूठ बोल दिया। दारू पीती है, बोल दिया, सोशल वर्क करती हूँ, झूठ बोल दिया। मैं समझाती हूँ सर, दरअसल क्या है ना, धरती पर लोग इतनी शराब पीते कि अपने घर बर्बाद कर देते हैं। मैंने भी वचन लिए कि मैं शराब पी कर शराब खत्म कर दूंगी, ताकि किसी का घर बर्बाद ही ना हो। इसके कर्मों के हिसाब से इसे नर्क भेजे ना भेजे, लेकिन ये जो चुटकुला सुनाया ना, इसको नरक भेजने में नहीं, काम करो, बड़ा वाला पतीला लो, 20 लीटर तेल डालो, बुड्ढी का एक ही बड़ा साला पकौड़ा निकालो, इसका पकौड़ा निकाल के राक्षसों को चटनी के साथ खिलाया जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती? बुड्ढी का पकौड़ा बनाकर खाओगे? मित्र गुप्त, इसका पकौड़ा ना निकालो, ये बुड्ढी जो है ना तेल बहुत पिएगी। मैं तो कहता हूँ इसको 1000 कोड़ा मारकर हाथी के पैर के नीचे दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं ये काम करता हूँ, पहले हाथी के पैर के नीचे दे दो, उसके बाद 1000 कोड़े मारो, फटक फटक फटक। बाद में इसे नर्क में भेज दिया जाएगा। अरे अगर नर्क भेजना है तो सीधे भेजो ना, मारपीट क्यों कर रहे हो? अच्छा, हम अपनी भाषा निकाले हैं। हाँ मित्र गुप्त, जल्दी से इसके कर्मों की सुधार दो यार, बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, जल्दी करो। अच्छा, बड़े लोग बाहर खड़े हैं? मैं जाकर देखती हूँ, शायद कहीं पे अपना टांका फिट हो जाए। आई एम जस्ट कमिंग मित्र गुप्त, डार्लिंग। अपना ख्याल रखना। एक मिनट, वाईफाई कनेक्ट हो गया, अभी इसका डाटा अपडेट हो जाएगा। यार डाटा, मेरी रक्षा कर। बुढ़िया, तू चोर भी है क्या? हाँ, 14 जनवरी की रात तूने अपने पोते की पॉकेट से 70 रुपए निकाल के बियर पी। बस, क्या मेरी यही गुनाह है? तेरा गुनाह चाहे छोटा है, लेकिन पोते के लिए कितना बड़ा गुनाह है। एक काम करो, इसके पकौड़े रहने दो, वो लगा के ना स्टैंड, इसका बारबेक्यू बनाओ।
इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले स्वर्ग और नर्क की अप्सराओं को बुलाकर डेमो दिया जाए ताकि इसको पता चले किसने जाना कहाँ है। गॉड आइडिया, स्वर्ग और नर्क की अप्सराएं हाजिर हूँ। वाह वाह वाह, कितना गंदा डांस किया। ये कौन है? अरे कौन क्या है, स्वर्ग से आई हूँ, स्वर्ग की अप्सरा हूँ। इनकी अगर अप्सरा ऐसी है तो चुड़ैल कैसे होगी? हे मूर्ख बुढ़िया, उसकी शक्ल में मत जाओ, वो स्वर्ग की अप्सरा है, ये नर्क की अप्सरा है। ये वाली आइटम तो ठीक है, इसे कैसे नर्क का अप्सरा बना दिया आप लोगों ने? इसे सजा मिली है, इसके पिताजी बहुत बड़े राक्षस थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं जान पहचान वालों के बीच में हूँ। वो इसलिए, शरीर अमर होता है और आत्मा बदलती रहती है। नहीं नहीं, आपसे गलत फहमी हो गई है, आत्मा एक होती है, शरीर बदलती रहती है। बुढ़िया एक तो मर गई, ऊपर से गलत सिलेबस झाड़ रही है। एक काम करो। कोड़े 2000 कर दो, हाथी 3 कर दो। कोड़े और हाथी को छोड़िए, मैं ये पूछ रही हूँ कि बुढ़िया के साथ क्या करना है, इसे नरक में फेंकना है या स्वर्ग में? अरे जहाँ भी फेंकना है उससे पहले मुझे कम से कम ये तो बता दो कि स्वर्ग और नरक में फर्क क्या होता है। अप्सराओं, अपने मधुर कंठ से इस बुढ़िया औरत को बताओ कि नरक और स्वर्ग की सुविधाओं में क्या अंतर होता है। देखिए, स्वर्ग में जो है सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट में 2 गरम गरम पराठे दिए जाएंगे विद नाइस फ्रेश मक्खन। उसके साथ में आपको मिलेगा दूध और जलेबी, साथ में आम का रस, अमरूद का रस, अनार का रस, रसमलाई। बस आपका अपना रस बाहर आ रहा है। आने दीजिए, चलेगा। मैं स्वर्ग में रहूंगी। I'm ready, take me there. लेकिन पहले नर्क के फैसिलिटीज के बारे में तो सुन लीजिए। ठीक है, तू भी बोल दे। वहाँ 3 टाइम खाने के साथ दारू फ्री है और चखने में 17 टाइप के पकवान। जब मर्जी सो जाइए, जब मर्जी उठ जाइए। हट रहे। पहला वाला कैंसल। मैं नर्क चलूंगी। Take me. देखो पागल बुढ़िया, अगर एड अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। नर्क में आपको डेली खाली पेट 500 कोड़े खाने पड़ेंगे। अरे कमबख्त हो तुम लोगों की क्रिएटिविटी क्या कोड़ों पे आके आ सकती है? अरे कोई और उपाय तो बताओ मुझे। बहुत जुबान चलती है तेरी बुढ़िया, कोड़े 4000 कर दिए जाएं। क्यों बे, तुझे कोड़ों के सप्लाई में क्या कमीशन मिलता है? यम कुमार सुनो, मुंबई में एक बड़ा ही खूबसूरत हैंडसम लड़का है, बिट्टू शर्मा, उसको उठा के लाना है। नहीं, उसके घर में आजकल एक बड़ा ढीठ बुड्ढा आया हुआ है, उसको उठा के लेके आओ। उनका टाइम नहीं आया है अभी। मित्र गुप्त मैं हूँ कि तुम हो?